मैं 2016 में हज पे गया हुआ था। ये रहा मक्का टावर, रात का सीन है उसका। ये हरम की मीनारे हैं। ये हरम का मेन गेट है, किंग अब्दुल अजीज गेट। वहीं से हमारे खाने काबा का व्यू मिल जाता है हमें। ये हमारा मेन बाहर का एरिया है, यहीं से सारे गेट्स हैं। ये आप देख सकते हैं फैन लगा हुआ है, शावर वाला। इसमें से पानी भी निकलता रहता है और फैन भी चलता रहता है। काफ़ी अच्छा फील आता है जब आप इसके सामने बैठते हैं। ये एक नई मस्जिद वहाँ पे बनाई गई है, हरम में ही बनी बनी है, जो बहुत ही आलीशान, बहुत ही अच्छी वाइट मार्बल और गोल्डन कलर का मेटल से पूरा इसको कंप्लीट करा गया है। ये सही का स्टार्ट है और ये यहाँ पे सब लोग सही कर रहे हैं। सही सरफा से मरवा में 7 चक्कर लगाए जाते हैं, को कई फ्लोर्स में डिवाइड कर दिया गया है। इसमें 3 फ्लोर हैं और ये जहाँ पे हम हैं ये 2nd फ्लोर है। ये सफा है, यहाँ से हम लोग सही की स्टार्टिंग करते हैं। और ये पहले ये पहाड़ था, अब भी पहाड़ है, लेकिन अब इसमें आर्टिफिशियली इस पर कोटिंग कर दी गई है, बहुत हार्ड कोटिंग, जिससे कि इसको डिस्ट्रॉय करा जाए। और ये सही में ग्रीन लाइट एरिया आता है, यहाँ पे हमें अपनी थोड़ी वॉकिंग स्पीड मर्दों को बढ़ानी होती है। औरतों के लिए इसमें कुछ नहीं है ऐसा, वो अपनी नॉर्मल स्पीड से वॉक करें, लेकिन लड़कों को थोड़ा यहाँ पे जॉगिंग स्टाइल में चलना पड़ता है। यहाँ भी फैंस लगे हुए हैं, हालांकि इसमें फाउंटेन वाला सिस्टम नहीं है। ये वहाँ की केयर टेकर हैं जो पूरे ब्लैक हिजाब में रहती हैं। ये हरम के बाहर का नाइट व्यू है, सब बैठे हुए हैं ईशा की नमाज के लिए। ये माशाल्लाह हमारा खाना काबा, यहाँ पे सब देख सकते हैं आप, सब तवाफ कर रहे हैं यहाँ पे। ये मगरिब से पहले का है, माशाल्लाह आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, एक अलग ही फील आता है यहाँ पे। जो आप ग्रीन कलर की लाइट देख रहे हैं, हर तवाफ की स्टार्टिंग और एंडिंग यहीं से होती है। मैं 3rd फ्लोर तवाफ कर रहा हूँ, टॉप फ्लोर पे, और यहाँ पे आप मक्का टावर देख सकते हैं। और मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है इस टाइम, यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, बादल गरज रहे थे। ये मक्का टावर में आप देख सकते हैं, और इसमें अलग अलग आयतें लिखी आ रही हैं। ये मगरिब के बाद का है, बारिश हो चुकी है, मगरिब के नमाज के दरमियान ही बारिश स्टार्ट हो गई थी और इमाम साहब ने नमाज को थोड़ा शॉर्ट कर दिया था। नमाज के बाद ही फौरन तवाफ फिर से स्टार्ट हो गया। मक्का में बारिश को बहुत ही अच्छा माना जाता है कि उसमें अल्लाह के सारे बंदे नहा लिए और उनके सारे गुनाह धुल गए। आप देख सकते हैं लोग अपने आगे की नमाजें पढ़ रहे हैं। ये बारिश के बाद का माहौल है, ये आप देख सकते हैं लंबे लंबे टायर लगे हुए हैं, उसमें से पानी की बौछारें निकल रही हैं, जिससे कि हम हाजियों को कोई तकलीफ ना हो। ये बाहर रोड का है, इतना मजमा आप देख सकते हैं। ये फजर के बाद का टाइम है, मक्का में काफी बिल्लियां हैं, ये हमें रास्ते में दिखी थी। और जैसे कि आप देख सकते हैं
ये हरम के अंदर टहल रही हैं। ये मस्जिद आयशा है, यहाँ पर आप उम्रा का एहराम बांधने के लिए आएंगे और यहाँ पे आप एहराम बांध के और फिर वापस हरम जाएंगे और वहाँ पे अपना उम्रा कंप्लीट करेंगे। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से इस मस्जिद को बनाया गया है। Thanks for watching my videos. Please do leave a comment below and don't forget to subscribe for upcoming videos.